तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 रेखा एवं कोण इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि दो कोणों का युग्म पूरक होता है यदि उन दोनों कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है। मान लेते हैं कि जैसे कि दो कोण A और B दिए गए हैं और अगर इन दोनों कोणों का मापों का योग कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश होता है तो हम कहते हैं कि यह दोनों कोण कोण A और कोण B पूरक कोण हैं। तो बच्चों, यदि कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश तो हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण B पूरक कोण है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें एक कोण ज्ञात है, जैसे कि कोण A ज्ञात है तो हम कोण B निकाल सकते हैं, या हमें कोण B ज्ञात है तो हम दूसरा कोण कोण A ज्ञात कर सकते हैं, 90 अंश में से उसको घटाना होगा। तो बच्चों, पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें 90 अंश में से उस कोण को घटाना होगा जिस कोण का पूरक कोण हमें ज्ञात करना होता है। बच्चों, पूरक कोण बराबर 90 अंश ऋण दिया गया कोण, हमें दिया गया कोण उसका पूरक कोण ज्ञात करना है तो दिए गए कोण को 90 अंश से घटाना होगा। अब जैसे कि प्रश्न 1 में दिया गया है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए, तो भाग 1 में हमें 20 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना है तो हमें 90 अंश में से 20 अंश घटाना होगा तो हमें 20 अंश का पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों, 20 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 20 अंश, 90 में से 20 घटाते हैं तो 70 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश होगा। बच्चों, चित्र 2 में हम देख रहे हैं, आकृति 2 में इस कोण को 63 डिग्री दिया गया है तो 63 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश ऋण 63 अंश और 90 में से 63 घटाएं तो यह 27 आ जाता है, तो 63 अंश का पूरक कोण 27 अंश होगा। आकृति 3, इसमें बच्चों कोण दिया गया है 57 अंश, तो 57 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश ऋण 57 अंश, बच्चों 90 में से 57 घटाए तो यह 33 आ जाता है, तो 57 अंश का पूरक कोण 33 अंश होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को भी हम प्रश्न 1 की तरह करेंगे, यहाँ पर हमें संपूरक कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं बच्चों, यदि दो कोण जैसे कि कोण A और कोण B दोनों का युग्म संपूरक है तो उन दोनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश होगा यदि कोण A और कोण B संपूरक हैं। तो हमें अगर कोण A ज्ञात है तो कोण B निकाल सकते हैं 180 में से उस कोण को घटा के, कोण B ज्ञात है तो कोण A निकाल सकते हैं 180 में से कोण A को घटा के। यदि हमें संपूरक कोण निकालना है किसी दिए गए कोण का तो उसको हमें 180 अंश में से घटाना होगा। तो बच्चों, जो दिया गया कोण है उस कोण का संपूरक कोण अगर हमें निकालना है तो हमें 180 अंश में से उस कोण को घटाना होगा, तो हम कह सकते हैं कि संपूरक कोण बराबर 180 अंश ऋण दिया गया कोण। बच्चों, आकृति 1 में कोण दिया गया है 105 अंश, तो हम यहाँ पर 105 अंश का संपूरक कोण निकाल लेते हैं, तो 105 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 अंश ऋण 105 अंश होगा। 180 में से 105 घटाते हैं तो 75 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 105 अंश का संपूरक कोण 75 अंश होगा। इसी तरह से बच्चों, आकृति 2 और 3 का संपूरक कोण निकाल लेते हैं। आकृति 2 में कोण दिया गया है 87 अंश, तो 87 अंश का संपूरक कोण बराबर
180 अंश ऋण 87 अंश, 180 अंश में से 87 को अगर हम घटाते हैं तो यह 93 आता है, तो हम कह सकते हैं 87 अंश का संपूरक कोण बराबर 93 अंश होगा। अब हम आकृति 3 के लिए जिसमें कोण 154 डिग्री दिया गया है, इसका संपूरक कोण निकाल लेते हैं। तो 154 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 अंश ऋण 154 अंश होगा। 180 में से 154 अगर हम घटाते हैं तो यह 26 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 154 अंश का संपूरक कोण 26 अंश होगा। बच्चों प्रश्न 3 करते हैं, इसमें दिया गया है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। बच्चों हमें यहाँ पर भाग 1 से लेके भाग 6 तक कुछ कोणों के युग्म दिए गए हैं, हमें यहाँ पर यह पहचानना है इन युग्मों में से कौन युग्म पूरक है और कौन युग्म संपूरक है। बच्चों हम जानते हैं कि पूरक युग्म कोणों का वह युग्म होगा जब दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश होगा, और अगर दोनों कोणों की मापों का योग 180 अंश आ जाता है तो वह युग्म संपूरक युग्म होगा। तो दिए गए युग्म इन कोणों की मापों को हम जोड़ लेते हैं। भाग 1 में 65 अंश धन 115 अंश बराबर 180 अंश, तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यह युग्म दिया गया कोणों का युग्म संपूरक कोणों का युग्म है। बच्चों भाग 2 के दिए गए कोणों को जोड़ लेते हैं, 63 अंश धन 27 अंश बराबर यह 90 अंश होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दिए गए कोणों का युग्म पूरक कोणों का युग्म है। बच्चों भाग 3 में कोण दिए गए हैं 112 अंश और 68 अंश, इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, 112 अंश धन 68 अंश बराबर 180 अंश होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों कोणों का युग्म संपूरक कोणों का युग्म होगा। बच्चों भाग 4 में दिए गए कोणों को जोड़ लेते हैं, यह जोड़ 130 अंश धन 50 अंश और यह 180 अंश होता है, इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए कोणों का युग्म संपूरक कोणों का युग्म है। बच्चों भाग 5 में दिए गए कोणों के युग्म को जोड़ लेते हैं, यह 45 अंश धन 45 अंश बराबर 90 अंश आ जाता है, 90 अंश योग आने का मतलब यह दोनों कोणों का युग्म पूरक कोणों का युग्म है। अब बच्चों भाग 6 में दिए गए कोणों की मापों को जोड़ लेते हैं, यह 80 अंश धन 10 अंश बराबर 90 अंश होता है, 90 अंश का मतलब दिए गए कोणों का युग्म यह पूरक कोणों का युग्म है। चलिए प्रश्न 4 करते हैं, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि कोण बराबर x, बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, यानी दिए गए कोण का पूरक भी उस ही कोण के बराबर है। बच्चों हम जानते हैं कि यदि दो कोण A और B हैं, दोनों कोण यह पूरक होंगे आपस में जब दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश हो जाता है। यदि कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश, तो हम कहते हैं कि कोण A और कोण B एक दूसरे के पूरक कोण है। यहाँ पर दिया गया है ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान है, तो यहाँ पर कोण A भी x है और कोण B भी वही कोण है x है जो अपने पूरक के समान है, तो यहाँ पर कोण A कोण B को हम x रख लेते हैं, तो x धन x बराबर 90 अंश, x धन x 2x होता है बराबर 90 अंश। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं, तो यह है 2x बटा 2 बराबर 90 अंश बटा 2 आ जाता है, 2x बटा 2 यह x होता है 2 से 2 कटने के बाद, तो x बराबर 90 अंश को हम 45 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2, 2 से 2 कटने के बाद x बराबर 45 अंश आ जाता है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि 45 अंश का कोण अपने पूरक कोण के समान है।
प्रश्न पांच करते हैं, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। बच्चों इस प्रश्न को भी प्रश्न चार की तरह ही करेंगे। हम जानते हैं कि यदि दो कोण जैसे कि कोण ए और कोण बी हैं, इन दोनों कोणों के मापों का योग अगर 180 अंश होता है तो हम इन दोनों कोणों को कोण ए कोण बी को कहते हैं कि ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो यहाँ पर कहा गया है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे, मान लेते हैं कि माना कोण ए बराबर एक्स, तो इसका मतलब कोण बी भी इसी के बराबर होगा, एक्स होगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, तो कोण ए कोण बी दोनों एक्स होंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, कोण ए एक्स धन कोण बी भी एक्स है, तो एक्स धन एक्स बराबर 180 अंश। एक्स धन एक्स 2x होता है, 2x बराबर 180 अंश। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं तो 2x बटा 2 बराबर 180 अंश बटा 2। 2x बटा 2 यह x होता है बराबर 180 अंश को 90 अंश गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 2, 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 90 अंश आ जाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 90 अंश का कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। प्रश्न 6, दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। बच्चों यहाँ पर स्पष्ट है कि यह दिया गया है कि कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि यह दोनों कोण संपूरक कोण हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश होगा। अब बच्चों मान लेते हैं कि माना कि कोण 1 बराबर 60 अंश है, तो कोण 2 हमें ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर 180 अंश में से कोण 1 को घटाना होगा। अब यदि कोण 1 बराबर 60 अंश है तो कोण 2 बराबर 180 ऋण 60 बराबर 120 होगा। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोण 1 बराबर 50 अंश हो जाता है, यानी 60 अंश से 50 अंश हो जाता है, तो कोण 1 में कमी कर दी जाती है, 60 अंश से इसको घटा दिया जाता है 50 अंश। कोण 1 में कमी की जाती है, यह 60 से 50 अंश हो जाता है, तो कोण 2 बराबर अब यह 180 अंश ऋण 50 अंश होगा बराबर 130 अंश होगा। इसका मतलब बच्चों यह हुआ कि जब हमने कोण 1 को घटाया, कोण 1 में कमी की, तो कोण 2 बढ़ गया, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 हमें दोनों कोणों का युग्म संपूरक ही रखना है, तो कोण 1 को घटाने से कोण 2 इसका माप बढ़ जाता है। तो प्रश्न में दिया गया है, दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। तो बच्चों स्पष्ट है कि कोण 1 में अगर कमी की जाती है तो कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि तो कोण 1 में हमने 60 से 50 किया तो 10 अंश की कमी की, और कोण 2 अब 120 अंश से 130 अंश हो गया तो यह 10 अंश बढ़ गया। तो कोण 1 में 10 अंश की कमी की तो कोण 2 में 10 अंश बढ़ गया। तो जितनी कमी हम कोण 1 में करेंगे उतनी ही बढ़ोतरी कोण 2 में हो जाएगी ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो तब कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी ताकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण हैं। बच्चों अब अगला प्रश्न प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों भाग 1 न्यून कोण हैं। बच्चों न्यून कोण का मतलब हम जानते हैं कि न्यून कोण हमेशा 90 अंश से छोटा होता है। ऐसे कोण को जो 90 अंश से छोटा हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि दो कोण, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोण ए और कोण बी, अगर इन दोनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो हम कहते हैं कि कोण ए और कोण बी संपूरक कोण हैं।
अब बच्चों भाग ए में कहा गया है कि दो कोण न्यून कोण है, दोनों कोण अगर न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। बच्चों उदाहरण के तौर पर 90 अंश से कम दो कोण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोण ए बराबर 80 अंश और दूसरा कोण भी न्यून कोण मान लेते हैं, माना कि कोण बी बराबर 70 अंश। अब इन दोनों कोणों को हम जोड़ के देखते हैं तो कोण ए धन कोण बी बराबर 80 अंश धन 70 अंश, 80 धन 70 बराबर 150 होता है, तो यहाँ पर कोण ए धन कोण बी बराबर 150 अंश। बच्चों 150 अंश 180 अंश से छोटा है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश नहीं है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों कोणों का युग्म, अगर ये दोनों न्यून कोण हैं, तो दोनों कोणों का युग्म संपूरक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो कोण अगर न्यून कोण हैं, तो दोनों संपूरक नहीं हो सकते। बच्चों इसी तरह से भाग दो करेंगे, यहाँ पर दिया गया है अधिक कोण है, दोनों कोण अधिक कोण है, तो मान लेते हैं, माना कि अब कोण ए अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा। मान लेते हैं कि कोण ए बराबर 110 अंश और दूसरा कोण कोण बी बराबर 130 अंश, कोण ए कोण बी अब अधिक कोण है। बच्चों तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग कोण ए धन कोण बी बराबर 110 अंश धन 130 अंश होगा, और 110 धन 130 240 होता है, तो कोण ए धन कोण बी बराबर 240 अंश होगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि 240 अंश बड़ा है 180 अंश से, तो अगर दो कोण अधिक कोण है तो उन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश से बड़ा होगा, यह 180 अंश नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो कोण अधिक कोण है तो दोनों संपूरक नहीं हो सकते। बच्चों भाग तीन में दिया गया है दोनों समकोण हैं। हम जानते हैं कि समकोण का मतलब 90 अंश। बच्चों यहाँ पर दोनों कोण समकोण हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी दोनों कोण समकोण, दोनों कोण 90 अंश के हैं, तो बच्चों यहाँ पर कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश धन 90 अंश, और इन दोनों को जोड़ने से यह 180 अंश आ जाता है। बच्चों कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह युग्म कोण ए कोण बी का जो युग्म है यह संपूरक होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो कोण समकोण हैं तो दोनों संपूरक होंगे। प्रश्न आठ करते हैं, इसमें दिया गया है एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। बच्चों हम जानते हैं कि यदि दो कोण, मान लेते हैं कि दो कोण ए और कोण बी हैं, यदि यह दोनों पूरक कोण हैं, इन दोनों कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश होगा यदि कोण ए और कोण बी पूरक कोण हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एक कोण 45 अंश से बड़ा है, तो इनमें से हम मान लेते हैं कि माना कि कोण ए 45 अंश से बड़ा है, और मान लेते हैं कि यह यानी कोण ए जैसे कि 50 अंश है, 50 बड़ा होता है 45 से, तो बच्चों हम कोण ए का पूरक कोण जो कि कोण बी है यहाँ पर, तो कोण बी को निकालने के लिए हम 90 अंश में से कोण ए को घटाएंगे। कोण ए हमने 50 अंश लिया हुआ है 45 अंश से बड़ा, तो दूसरा कोण कोण ए का पूरक कोण यह 90 अंश ऋण 50 अंश, 90 में से 50 घटाते हैं तो 40 आता है, तो कोण बी जो कि कोण ए का पूरक कोण है यह 40 अंश होगा। बच्चों 40 अंश 45 अंश से छोटा होता है, तो प्रश्न में पूछा गया है क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। तो एक कोण अगर 45 अंश से बड़ा है, स्पष्ट है कि इसका पूरक कोण 45 अंश से छोटा है, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए 45 अंश से बड़ा कोण 50 अंश लिया, इसका पूरक कोण
40 अंश होगा जो कि 45 अंश से छोटा है, अतः इसका पूरक कोण 45 अंश से कम होगा। प्रश्न 9, संलग्न आकृति में भाग 1 क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? बच्चों यहाँ पर आकृति में हम कोण 1 और कोण 2 को देख रहे हैं, तो इसका शीर्ष जो कि O है यह उभयनिष्ठ है और इन दोनों कोणों की जो भुजाएं हैं इनमें से एक भुजा जो कि OC है यह उभयनिष्ठ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के आसन कोण हैं। तो क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? हाँ, कोण 1 कोण 2 का आसन है। तो बच्चों भाग 1 का उत्तर हाँ होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 में उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा है। भाग 2 में पूछा गया है क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है? बच्चों दो कोणों का आसन होने के लिए जरूरी है कि जैसे कि यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, बच्चों इस चित्र में कोण RQP और कोण RQS आसन कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों कोण में जो शीर्ष है Q उभयनिष्ठ है और दूसरा इन दोनों कोणों की जो भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा QR उभयनिष्ठ है, तीसरा जो उभयनिष्ठ भुजा है बाकी दो भुजाएं इसके इधर और उधर हैं, दोनों QR उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ PQ भुजा है और दूसरी तरफ इसके QS भुजा है। तो यह तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए दो कोणों के आसन होने के लिए। अब अगर हम AOC कोण को देखें, कोण AOC को और कोण AOE को देखें, तो इसमें शीर्ष जो कि O है यह उभयनिष्ठ है, हम भुजा क्योंकि कोण AOC की भुजा AO और OC है, कोण AOE की भुजा AO और OE है, भुजा भी AO उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी शर्त है जो उभयनिष्ठ भुजा है इस भुजा के दोनों तरफ दोनों भुजाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर AO भुजा के एक तरफ OC भुजा है और उसी तरफ OE भुजा है, तो इस कारण से जो कि तीसरी शर्त पूरी नहीं होती, इस कारण से कोण AOC और कोण AOE आसन कोण नहीं होंगे। तो भाग 2 का उत्तर नहीं होगा। बच्चों भाग 3 करते हैं, इसमें दिया गया है क्या कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? बच्चों हम जानते हैं कि दो कोणों का युग्म रैखिक युग्म होता है अगर दो शर्तें पूरी होती है, पहली शर्त दोनों कोण आसन्न कोण होने चाहिए, दूसरी शर्त इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। बच्चों पहले तो हम देख लेते हैं कि जो दिए गए कोण हैं यह आसन कोण है क्या, COE और EOD। तो COE में हम देख रहे हैं कि दो भुजा OC और OE है, शीर्ष O है, EOD में दो भुजा OD और OE है। अब आसन कोण के लिए तीन शर्तें होती हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, उभयनिष्ठ शीर्ष O है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए जो कि भुजा OE है इन दोनों कोणों में, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बाकी बची हुई दोनों भुजाएं होनी चाहिए जो यह शर्त भी पूरी होती है। तो यह दोनों कोण COE और EOD आसन कोण है। अब हम रैखिक युग्म के लिए दूसरी शर्त, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। हाँ, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि कोण COE धन कोण EOD बराबर 180 अंश, क्योंकि रेखा CD एक सीधी रेखा है, इस वजह से कोण COE और कोण EOD का योग 180 अंश होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। भाग 4 करते हैं, बच्चों इसमें पूछा गया है क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक हैं? हाँ बच्चों, क्योंकि इनके कोणों का योग 180 अंश है, अगर हम इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करें तो यह 180 अंश आता है।
कोण बी ओ डी धन कोण डी ओ ए बराबर 180 अंश। क्योंकि बच्चों यहाँ पर ए बी एक सीधी रेखा है और ओ ए और ओ बी सम्मुख भुजाएं हैं, ओ डी उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ओ डी एवं कोण डी ओ ए संपूरक हैं। भाग पांच, क्या कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण चार है? बच्चों यहाँ पर हम आकृति में देख रहे हैं कि कोण एक का सम्मुख कोण कोण चार है, क्योंकि दो सीधी रेखाएं ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों यह दोनों कोण कोण एक और कोण चार ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, क्योंकि ये रेखाएं ए बी और सी डी के प्रतिच्छेदन से बने हैं। क्योंकि बच्चों जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यदि दो सीधी रेखाएं और यह दोनों एक दूसरे के प्रति तिरछी रेखाएं होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर चार कोण बनते हैं। इनमें से दो दो कोण यह युग्म बनाते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का। जैसे कि हम इस आकृति में देख रहे हैं कि कोण ए और कोण बी यह युग्म है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का, और कोण सी और कोण डी यह दूसरा युग्म होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का। तो भाग पांच का उत्तर हाँ, क्योंकि ये रेखाएं ए बी और सी डी के प्रतिच्छेदन से बने हैं। बच्चों भाग छह करते हैं, इसमें दिया गया है कोण पांच का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण पांच अगर हम इसके लिए रेखा ए बी और सी डी देखें, तो रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर, और इन दोनों रेखाओं से कोण पांच बन रहा है ए बी और सी डी से। इस कोण पांच का सम्मुख कोण सी ओ बी होगा, क्योंकि कोण पांच कोण ए ओ डी है, ए ओ डी का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यह सी ओ बी होगा, कोण सी ओ बी। तो भाग छह का उत्तर कोण पांच का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण सी ओ बी होगा। प्रश्न दस करते हैं, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म भाग एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। बच्चों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के लिए यहाँ पर हमने दो ऐसी रेखाएं देखनी होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो बच्चों यह रेखा जैसे कि इसका नाम L1 रख देते हैं, L1 और दूसरी रेखा L2 है। अब बच्चों इस रेखा L1 और L2 यह दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इन दोनों रेखाओं के लिए कोण चार का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण एक होगा। दूसरा युग्म यहाँ पर कोण पांच और इसके लिए सम्मुख कोण कोण दो धन कोण तीन होगा। बच्चों जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण चार के लिए, ये कोण चार है, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण एक होगा, और रेखा L1 और रेखा L2 के लिए कोण पांच के लिए यह हम कोण पांच देख रहे हैं, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यह होगा जो कि कोण दो और कोण तीन का योग होगा। भाग दो करते हैं, यहाँ पर हमने रैखिक युग्म बताना है, कोणों के कौन से युग्म रैखिक युग्म हैं। बच्चों रेखा L1 के लिए, यहाँ पर रेखा L1 के लिए कोण एक और कोण पांच इन दोनों का योग 180 अंश है, और कोण एक और कोण पांच यह दोनों आसन कोण हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, जिसको कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यह भुजा उभयनिष्ठ है। तो कोण एक और कोण पांच यह युग्म रैखिक युग्म होगा। दूसरा रैखिक युग्म हम रेखा L2 के लिए देख सकते हैं, रेखा L2 के लिए कोण चार और कोण पांच इन दोनों का योग 180 अंश है। रेखा L2 के लिए कोण चार धन कोण पांच बराबर 180 अंश। तो इसमें कोण चार और कोण पांच में जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं यह भुजा उभयनिष्ठ है, यह भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि कोण चार और कोण पांच रैखिक युग्म है। तो बच्चों फिर से देख लेते हैं, रेखा L1 के लिए कोण
एक और कोण पांच, इन दोनों का योग जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं 180 अंश होगा। तो कोण एक और कोण पांच रैखिक युग्म होंगे। बच्चों दूसरा रैखिक युग्म रेखा L2 के लिए होगा, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं इस रेखा L2 के लिए कोण चार और कोण पांच इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो कोण चार और कोण पांच रैखिक युग्म होंगे। प्रश्न 11, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक कोण दो का आसन है, कारण लिखिए। बच्चों हम जानते हैं कि दो कोण का आसन होने के लिए तीन शर्तें होना जरूरी है। पहली शर्त, दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोण एक कोण दो का उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है तो यहाँ पर पहली शर्त यहाँ पर लागू नहीं होती। जब पहली शर्त ही लागू नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि कोण एक कोण दो का आसन नहीं है या यह दोनों कोण आसन कोण नहीं है। तो बच्चों कोण एक और कोण दो आसन कोण नहीं है क्योंकि इन दोनों कोणों में शीर्ष अलग अलग बिंदु हैं, इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। बच्चों अगर कोण एक को हम देखें, यह कोण एक है, इसकी यह दोनों दो भुजाएं हैं तो इसका शीर्ष यह होगा। अब दूसरे कोण कोण दो को देखें तो इसमें कोण दो में यह दोनों भुजाएं हैं, इनमें से यह भुजा तो कॉमन, यह भुजा तो उभयनिष्ठ है लेकिन इसका शीर्ष यह है, यह दोनों शीर्ष अलग अलग बिंदु हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो पहली शर्त है यह लागू नहीं होती, तो इस कारण से यह दोनों कोण आसन कोण नहीं है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई एवं जेड के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले हम पहली आकृति का हल कर लेते हैं। बच्चों पहली आकृति में दो रेखाएं L1 और L2, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं यह दोनों रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर कोण X के लिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 55 अंश होगा और हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि X बराबर 55 अंश होगा क्योंकि X का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 55 अंश है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस कारण से x बराबर 55 अंश होगा। अब बच्चों रेखा L1 के लिए कोण x और कोण y यह रैखिक युग्म कोणों का युग्म होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश होगा। इससे हम कोण y निकाल सकते हैं। बच्चों x हमने 55 अंश निकाला हुआ है तो x का मान रख देते हैं, एक्स धन वाई बराबर 180 अंश, एक्स 55 अंश रखने से यह 55 अंश धन वाई बराबर 180 अंश हो जाता है। दोनों पक्षों में से 55 अंश घटा लेते हैं तो 55 अंश धन वाई ऋण 55 अंश बराबर 180 अंश ऋण 55 अंश। अब वाई पक्ष में वाई बच जाता है 55 से 55 कटने के बाद, 55 अंश ऋण 55 अंश बराबर शून्य, y धन शून्य बराबर शून्य। तो y बराबर 180 में से 55 घटाए तो यह 125 आता है, तो y बराबर 125 अंश होगा। अब बच्चों कोण y के लिए इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण z होगा, तो इस कारण से कोण y बराबर कोण z होगा। और बच्चों कोण y हमने 125 अंश ज्ञात किया हुआ है तो 125 अंश बराबर कोण z, या हम कह सकते हैं कि कोण z का मान 125 अंश होगा। तो बच्चों कोण x बराबर 55 अंश होगा, कोण y बराबर 125 अंश होगा और कोण z बराबर 125 अंश होगा। अब बच्चों इस प्रश्न का दूसरा भाग करते हैं, दूसरी आकृति के लिए। बच्चों यहाँ पर भी इस आकृति में हम दो रेखाएं देख लेते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं का नाम हमने L1 और L2 रख लिया है। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और इन दोनों रेखाएं L1 L2 के लिए कोण Z के लिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 40 अंश होगा। 40 अंश और कोण Z यह ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, तो हम कह सकते हैं कि
कोण जेड बराबर 40 अंश होगा। अब बच्चों रेखा एल टू के लिए, क्योंकि रेखा एल टू सीधी रेखा है और यहाँ पर रेखा एल वन और एल टू का प्रतिच्छेद बिंदु ओ मान लेते हैं, और बच्चों रेखा एल टू पर ओ के दोनों तरफ हम दो बिंदु ए और बी हम लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर रेखा एल टू के लिए कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि एल टू एक सीधी रेखा है। अब ए ओ बी में तीन कोण है, यह 40 अंश है, धन एक्स धन तीसरा कोण 25 अंश है, यह बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश और ए ओ बी तीन कोणों से मिलकर बना हुआ है, 40 अंश एक्स और 25 अंश। 40 धन 25 65 होता है, तो 65 अंश धन एक्स बराबर 180 अंश। अब दोनों पक्षों में से 65 अंश को घटा लेते हैं, तो 65 अंश धन एक्स ऋण 65 अंश बराबर 180 अंश ऋण 65 अंश। वाई पक्ष में एक्स रह जाता है, दाएं पक्ष में 180 अंश ऋण 65 अंश, यह 115 अंश होता है, तो कोण एक्स का मान 115 अंश होगा। अब बच्चों रेखा एल टू के लिए ही अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, नीचे की तरफ से, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश फिर से, लेकिन नीचे की तरफ से, क्योंकि बच्चों अभी हमने रेखा एल टू के लिए यह ऊपर के लिए कोण कोण ए ओ बी लिया था, कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, अब नीचे की तरफ से भी कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश ही होगा। अब ये नीचे की तरफ से कोण ए ओ बी यह दो कोणों से बना हुआ है, कोण वाई और कोण जेड, कोण वाई धन कोण जेड बराबर 180 अंश होगा, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश, तो कोण वाई धन कोण जेड बराबर 180 अंश होगा, और जेड को हम पहले ही निकाल चुके हैं, यह 40 अंश का है, कोण जेड बराबर 40 अंश, इसका मान हम रख लेते हैं, तो कोण वाई धन कोण जेड को हम 40 अंश रखते हैं, तो कोण वाई धन 40 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में से 40 अंश को घटा लेते हैं, तो कोण वाई धन 40 अंश ऋण 40 अंश बराबर 180 अंश ऋण 40 अंश। बाएं पक्ष में कोण वाई रह जाता है 40 से 40 कटने के बाद, तो कोण वाई बराबर 180 ऋण 40, यह 140 होता है, तो कोण वाई बराबर 140 अंश होगा। तो हमने तीनों कोण निकाल लिए, कोण वाई बराबर 140 अंश, कोण एक्स बराबर 115 अंश और कोण जेड बराबर 40 अंश। प्रश्न 13 करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाग एक, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग है। बच्चों यहाँ पर 90 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो कोण पूरक होते हैं तो उनके मापों का योग 90 अंश होता है। भाग दो, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग रिक्त स्थान है। बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में 180 अंश आएगा। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण रिक्त स्थान होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश का मतलब यह दोनों कोण संपूरक होते हैं। भाग चार, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। यह बच्चों भाग तीन से हम कह सकते हैं, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। भाग पांच, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा रिक्त स्थान होते हैं। यहाँ पर बच्चों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, रिक्त स्थान में बराबर आएगा। भाग छह, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म रिक्त स्थान है। बच्चों दो रेखाएं हम इस तरह से लेते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दो रेखाएं L1 और L2 ले लिया है। यह दोनों रेखाएं मान लेते हैं कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और दोनों रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही हैं कि एक युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है। जैसे कि यहाँ पर कोण A का
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण बी है और यह दोनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण ए और कोण बी जो कि युग्म है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का, यह दोनों न्यून कोण है। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा युग्म कोण सी और कोण डी का रह जाता है। हमें यहाँ पर यह पता लगाना कि कोण सी और कोण डी जो कि दोनों बराबर हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, यह न्यून कोण होंगे या अधिक कोण होंगे। बच्चों यहाँ पर ओ प्रतिच्छेदी बिंदु है और इस ओ बिंदु के लिए चार कोण होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। इन सब का योग 360 अंश का होगा। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी यह 60 अंश का होगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कोण ए बराबर कोण बी होगा क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। मान लेते हैं कि यह 60 अंश के हैं, तो कोण ए कोण बी 60 अंश हम यहाँ पर रख लेते हैं। धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश, तो 120 अंश, 60 धन 60 120 होता है, 120 अंश धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। दोनों पक्षों में से हम 120 अंश घटा लेते हैं, तो 120 अंश धन कोण सी धन कोण डी ऋण 120 अंश बराबर 360 ऋण 120 अंश, 120 से 120 यहां से कट जाता है, तो कोण सी धन कोण डी बराबर 360 ऋण 120 यह 240 होता है, 240 अंश। अब कोण सी बराबर कोण डी इसको हम मान लेते हैं x रख लेते हैं, तो x धन x बराबर 240 अंश होगा। x धन x 2x होता है, 2x बराबर 240 अंश। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2x बटा 2 बराबर 240 बटा 2, तो x बराबर 240 बटा 2 या 120, तो x बराबर 120 अंश। x का मतलब कोण c, तो कोण c 120 अंश का होगा और कोण d भी 120 अंश का होगा। बच्चों 120 अंश का मतलब क्या है कि 120 180 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब 120 अंश अधिक कोण होगा। तो दूसरा युग्म जो कि C और D है यह अधिक कोण होगा, तो भाग 6 में रिक्त स्थान में अधिक कोण आएगा। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण है। प्रश्न 14 संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। भाग 1 ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। बच्चों ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख तो इसके लिए हमें दो रेखाएं देखनी होंगी जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम रेखा BD देख रहे हैं और रेखा AC देख रहे हैं, यह दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण और जो कि अधिक कोण है यह BOC होगा, क्योंकि BOC कोण और AOD कोण यह ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और यह दोनों कोण बराबर हैं, 90 अंश से बड़े हैं, 180 अंश से छोटे हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म यहाँ पर AOD और BOC होगा। तो बच्चों भाग 1 के लिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कोण AOD और कोण BOC होंगे। भाग 2 करते हैं आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण बच्चों हम जानते हैं कि आसन पूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, समकोण होना चाहिए और दोनों कोण आसन होने चाहिए। आसन का मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बाकी दोनों भुजाएं होनी चाहिए। यह तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए और पूरक कोण के लिए दोनों कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक समकोण देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि समकोण 90 अंश का कोण यह EOB है और इस EOB कोण में दो कोण है, कोण EOA और कोण AOB, यह दोनों कोण आसन कोण है।
आसन कोण क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों शर्तें लागू हो रही हैं। उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, उभयनिष्ठ भुजा ए ओ है, और इस भुजा के दोनों तरफ भुजा ई ओ और ओ बी है, और इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है। कोण ए ओ बी धन कोण ई ओ ए बराबर 90 अंश। बच्चों क्योंकि कोण ए ओ बी धन कोण ए ओ ई बराबर 90 अंश है, और यह दोनों कोण ए ओ बी एवं ए ओ ई आसन कोण है, इसलिए कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई का युग्म यह युग्म आसन पूरक कोण का युग्म होगा। बच्चों भाग तीन करते हैं, इसमें दिया गया है समान संपूरक कोण। बच्चों संपूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, और समान संपूरक कोण का मतलब दोनों समान होने चाहिए। तो दोनों समान होने चाहिए, योग 180 अंश होना चाहिए। मान लेते हैं कि यह x है, x धन x बराबर 180 अंश होना चाहिए। अब इसको हम 2x बराबर 180 अंश लिखेंगे, और दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देते हैं, तो 2x बटा 2 बराबर 180 अंश। 2x बटा 2 यह x होता है, x बराबर 180 अंश बटा 2 यह 90 अंश होता है। तो समान संपूरक कोण का मतलब दोनों कोण 90 अंश के होने चाहिए। तो ऐसा यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों समान कोण होने चाहिए, 90 अंश के होने चाहिए। ऐसे दोनों कोण, एक कोण तो बी ओ ई है जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, और दूसरा कोण डी ओ ई है, क्योंकि यह दोनों कोण 90 अंश के हैं, और इन दोनों कोण का योग 180 अंश होगा, तो यह दोनों कोण संपूरक होंगे। बच्चों भाग तीन का उत्तर समान संपूरक कोण यह कोण बी ओ ई और कोण डी ओ ई होंगे। भाग चार, इसमें दिया गया है असमान संपूरक कोण। बच्चों संपूरक कोण इसका मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, और दोनों कोण असमान होने चाहिए, दोनों कोण बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसे युग्म हम बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों इसके लिए हमने रेखाएं देखनी होंगी, जैसे कि एक रेखा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एसी है। अब इस रेखा एसी के लिए दो कोण जिनका योग 180 अंश है, यह दोनों कोण असमान है। ऐसे दो कोण ए ओ ई और दूसरा कोण ई ओ सी हो सकता है, क्योंकि ए ओ ई और ई ओ सी का योग 180 अंश यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं। तो बच्चों ऐसा एक युग्म तो जैसा कि हमने चित्र में देखा कोण ए ओ ई और कोण ई ओ सी का है। अब बच्चों दूसरे युग्म के लिए असमान संपूरक कोण के लिए हम रेखा बी डी यहाँ पर ले लेते हैं। अब बच्चों इस रेखा बी डी के लिए यह दो कोण, एक कोण तो कोण ए ओ बी होगा और दूसरा कोण कोण ए ओ डी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण ए ओ बी और कोण ए ओ डी का योग 180 अंश है, और यह दोनों कोण असमान है, तो यह दोनों कोणों का युग्म असमान संपूरक कोण होगा। इस युग्म को बच्चों हम लिख लेते हैं कोण ए ओ बी और कोण ए ओ डी। बच्चों अब हम एक उदाहरण और इस युग्म का दे सकते हैं रेखा ए सी के लिए। अब इस रेखा ए सी को हम दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर एक कोण ए ओ बी बन रहा है और दूसरा कोण बी ओ सी बन रहा है, और इन दोनों कोणों का योग कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी का योग यह 180 अंश का है, तो यह दोनों कोण असमान संपूरक कोण होंगे। इस युग्म को बच्चों लिख लेते हैं कोण ए ओ बी एवं कोण बी ओ सी। बच्चों भाग पांच करते हैं, इसमें कहा गया है आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। बच्चों रैखिक युग्म का मतलब दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। आसन कोण वह कोण होते हैं जिनका उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, भुजा उभयनिष्ठ होती है, और उस भुजा के दोनों तरफ बाकी दोनों भुजाएं होती हैं। तो ऐसा कोण हमने ऐसे आसन कोण देखने होंगे जिन कोणों का योग 180 अंश नहीं है, आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। बच्चों जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ऐसे आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई होंगे, क्योंकि ए ओ बी और कोण ए ओ ई आसन कोण है,
इनका इनका उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु ओ है, भुजा उभयनिष्ठ है भुजा एओ, और एओ भुजा के दोनों तरफ बाकी दोनों भुजाएं हैं इन दोनों कोणों की, और कोण एओबी धन कोण एओई बराबर 90 अंश है, यह 180 अंश नहीं है। तो आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो ऐसा युग्म कोण एओबी और कोण एओई है, इसको लिख लेते हैं। अब बच्चों एक दूसरा युग्म हम देख लेते हैं जो आसन कोण का है और रैखिक युग्म नहीं बनाता है। ऐसा बच्चों जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, इस आकृति में देख रहे हैं, ऐसा कोण एक तो कोण एओई है और दूसरा कोण कोण ईओडी है, क्योंकि कोण एओई और कोण ईओडी आसन कोण है और इन दोनों कोणों का योग बराबर 180 अंश नहीं है, यह 180 अंश से छोटा है। तो इस युग्म को लिख लेते हैं बच्चों, कोण एओई और कोण ईओडी। अब बच्चों एक युग्म और हम यहाँ पर आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं देख लेते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ऐसा युग्म एक कोण ईओडी और दूसरा कोण सीओडी का हो सकता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश नहीं है और यह दोनों कोण आसन कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों में भुजा ओडी उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों के शीर्ष उभयनिष्ठ है, यह बिंदु ओ है और ओडी भुजा के दोनों तरफ दोनों कोणों की भुजाएं ईओ और ओसी हैं। तो बच्चों यह युग्म ईओडी कोण ईओडी और कोण सीओडी का होगा। इस युग्म को लिख लेते हैं बच्चों, कोण ईओडी और कोण सीओडी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।